25 ओवर में 11 रिकॉर्ड्स जी हाँ दोस्तों 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। दरअसल भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और आखिरी ओडीआई मैच चल रहा है जिसमें न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन जल्द ही ये फैसला काफ़ी गलत साबित हुआ, पैर पर कुल्हाड़ी मारने जितना गलत साबित हुआ, क्योंकि भारत के दोनों ओपनर्स ने मिलकर 25 ओवर में 11 रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। आपको बता दें दोनों ने यहाँ पर अपनी अपनी शतक कंप्लीट किए, सेंचुरी कंप्लीट की, जहाँ रोहित शर्मा ने 85 गेंदों में 101 रन में 9 चौके और 6 छक्कों के सहायता से यानी 118 से भी ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से 101 रन पर आउट हुए, तो वही शुभमन गिल ने 78 गेंदों में 112 रनों की ज़बरदस्त इनिंग खेली जिसमें 13 चौके और 5 छक्के शामिल थे और उनका 143 से भी ज़्यादा का स्ट्राइक रेट था। इसमें उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड तोड़े जिसकी अभी हम बात करने वाले, लेकिन दोस्तों ये रिकॉर्ड सुनने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक करना ना भूले और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूले। सबसे पहले अगर रिकॉर्ड की बात करें तो मोस्ट ओडीआई सेंचुरीज विथ 100 प्लस स्ट्राइक रेट, जी दोस्तों सबसे ज़्यादा सेंचुरी जो 100 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से बनाई गई है, सबसे ज़्यादा 100 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट्स के साथ सेंचुरी बनाने वाले प्लेयर ऑफकोर्स विराट कोहली है जिन्होंने 31 सेंचुरी बनाई है जो कि उनके मतलब उस सेंचुरी में 100 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट रहा है। अगर उसके बाद अगर बात करें तो सीधे आते हैं एबी डिविलियर्स 25 ही बना पाए थे, उसके बाद आते हैं सचिन तेंदुलकर 24 बना पाए थे और उसके बाद अब नंबर आता है रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा ने 20 शतक ऐसे बनाए हैं जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 100 से ज़्यादा का रहा है। बात करते हैं अगले रिकॉर्ड की तो मोस्ट 100 एज अ ओपनर, जी हाँ दोस्तों यहाँ पर ओपनर ने अभी तक सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले लिस्ट में ऑफकोर्स फर्स्ट नंबर पर तो आएंगे सचिन तेंदुलकर, क्योंकि वो ओपनिंग के लिए खेलते थे, उन्होंने ओपनिंग बतौर ओपनर 45 शतक लगाए हैं। उसके बाद नंबर आता है सनत जयसूर्य का, ये भी ओपनिंग के लिए खेलते थे और उन्होंने अपने करियर में 28 शतक बतौर ओपनर लगाए थे। उसके बाद अब नाम आ जाता है जो सनत जयसूर्य के साथ पोजीशन पर रहेंगे, उन्होंने भी 28 शतक लगाए हैं और अगर वो एक और शतक बतौर ओपनर बना लेते तो ये नंबर 2 पर आ जाएंगे इस लिस्ट में। बात करते हैं तीसरे जो रिकॉर्ड की तो वो है तो शुभमन गिल एक रन अगर और बना लेते थे तो वो 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बन जाते थे, लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, उन्होंने एक प्लेयर के साथ ये रिकॉर्ड शेयर किया है और वो प्लेयर है बाबर आजम। बाबर आजम ने 2016 में 360 रन बनाए थे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 मैचों की जो ओडीआई सीरीज़ थी उसमें अब उनके साथ आ जाता है शुभमन गिल का नाम जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ इसी सीरीज़ में 2023 की जो सीरीज़ है 360 रन बनाए जिसमें उनका एक दोहरा शतक भी और अब एक शतक भी शामिल है। इससे पहले इमरान काइल्स थे जिम्बाब्वे के खिलाफ, उन्होंने 349 रन बनाए थे 3 ओडीआई मैच के सीरीज़ में। कॉन्टन डिकॉक ने भारत के ही खिलाफ 342 रन कूटे थे। मार्टिन गप्टिल ने 330 रन बनाए थे इंग्लैंड के खिलाफ 2013 में। इसी से रिलेटेड एक और रिकॉर्ड आपको ज़रूर बताना चाहूँगा दोस्तों, जो कि विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब रहे शुभमन गिल। सबसे ज़्यादा भारत की तरफ से 3 मैचेस की सीरीज ओडीआई सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बन चुके हैं शुभमन गिल, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ ये रिकॉर्ड किया है 360 रनों का, जैसे कि आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इससे पहले ये रिकॉर्ड भारतीय जो प्लेयर थे विराट कोहली के नाम था। एशिया कप में उन्होंने 2012 में 3 मैचेस में 357 रन बनाए थे दोस्तों, और उसके बाद शिखर धवन ने 2014 में 283 रन, विराट कोहली फिर से एक बार 2023 में श्रीलंका के खिलाफ 283 रन, रोहित शर्मा श्रीलंका के खिलाफ 2014 में 273 रन। तो इस रिकॉर्ड में पूरे वर्ल्ड में तो नंबर 1 शेयर किया है, लेकिन एज अ भारतीय अगर बात करें तो नंबर 1 पर सिर्फ और सिर्फ शुभमन गिल रहे हैं। के बाद नंबर आता है फिर से रिकॉर्ड आता है ये शुभमन गिल के ही नाम है, लेकिन इसमें इनका थोड़ा नाम थोड़ा लेट है दोस्तों। काफ़ी कम इनिंग्स में 4 शतक लगाने वाले प्लेयरों की अगर लिस्ट देखी जाए तो यहाँ पर इमामुल हक है, 9 इनिंग्स में उन्होंने 4 शतक लगाए थे। कॉन्टन डिकॉक ने 16 पारियों में जो लास्ट उनकी खेली गई उसमें 4 शतक लगाए थे। डेनिस एमिस ने 18 पारियाँ ली थी 4 शतक के लिए, और अब शुभमन गिल का नाम आता है नंबर 4 पर, 21 पारियों में उन्होंने लास्ट जो खेली है उसमें 4 शतक लगाने में कामयाब रहे। तक तो मोस्टली हमने शुभमन गिल के रिकॉर्ड देखे, लेकिन रोहित शर्मा ने भी काफ़ी
काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड बना है, मोस्ट 100, सबसे ज़्यादा 100 में ऑफकोर्स आप सबको पता है सचिन तेंदुलकर नंबर 1 पर है, विराट कोहली नंबर 2 पर है, ये तो आपको पता होगा सचिन के 49 और 46 विराट कोहली के शतक है। लेकिन क्या आपको पता है कि रोहित शर्मा अब नंबर 3 पर आ चुके हैं? जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा ने अभी तक 30 सेंचुरीज लगाई है और रिकी पॉन्टिंग के साथ वो नंबर 3 पर है। लेकिन अगर एक शतक और बना लेते हैं रोहित शर्मा तो रिकी पॉन्टिंग को वो पीछे छोड़ देंगे। और जो भारतीय 3 प्लेयर है, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये 3 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज लगाने में कामयाबी हासिल की है। शर्मा की अगर बात करें तो फास्टेस्ट तक का रिकॉर्ड वो अपना ही करियर का तोड़ते तोड़ते रह गए, क्योंकि फास्टेस्ट शतक उन्होंने 2018 में बनाया था सिर्फ 82 गेंदों में इंग्लैंड के खिलाफ नॉटिंगहम में, और अब ये न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका सेकंड फास्टेस्ट शतक है 2023 में, न्यूजीलैंड के खिलाफ 83 गेंदों में बना है। और तीसरे नंबर का फास्टेस्ट शतक था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ गुवाहाटी में 2018 में, जहाँ पर उन्होंने 84 गेंदें ली थी अपना शतक कंप्लीट करने के लिए। न्यूजीलैंड के खिलाफ हाइस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप का रिकॉर्ड भी इन दोनों ने अपने नाम कर लिया है दोस्तों, 212 रन इन्होंने इस साझेदारी में मेरे ख्याल से बनाए हैं। और इससे पहले ये रिकॉर्ड था वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर के नाम, जिन्होंने 2009 में 201 रन बनाए थे ओपनिंग पार्टनरशिप में। अगर बात करें जयसूर्या और उपुल थरंगा नंबर 3 पर है, जिन्होंने भी 201 रन बनाए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ ओपनिंग साझेदारी, ये भी तीसरे नंबर की सबसे बड़ी हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप है न्यूजीलैंड के खिलाफ। रोहित और गिल की अगर कुछ स्टैट्स देखे जाए पिछले 5-6 ओडीआईज के, तो दोनों की अगर पार्टनरशिप अगर देखे जाए ओपनिंग की, तो 212 रन, 33 रन, 95 रन, 60 रन, 72 रन और 100 रन। जी हाँ दोस्तों, 100 रन यहाँ पर इन्होंने अभी तक 6 पारियों में सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है कि वो 33 ही रन बना पाए, बाकी सभी पारियों में उन्होंने 50 या उससे ज़्यादा ही रन बनाए हैं दोनों ने मिलकर। अगर बात करें इंडिया ने पहले पावर प्ले में सबसे ज़्यादा रन इस सीज़न में इसी मैच में लिए है दोस्तों। अगर बात करें इससे पहले गुवाहाटी में 75 रन, श्रीलंका के खिलाफ कोलकाता में श्रीलंका के खिलाफ 67 रन, श्रीलंका के ही खिलाफ तिरुवनंतपुरम में 75 रन, और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच में 48 रन, दूसरे मैच में 52 रन, और अब इंदौर में तीसरे मैच में अभी तक के सबसे ज़्यादा रन उन्होंने कूटे हैं 82 रन, वो भी बिना किसी विकेट के। ये भी एक बड़ा रिकॉर्ड और कारनामा हो चुका है। तो इस तरह के उन्होंने अपने दोनों ने मिलकर 11 ऐसे रिकॉर्ड बनाए दोस्तों, जो कि सिर्फ और सिर्फ 25 ओवर के अंदर ही मेरे ख्याल से बन गए हैं। आई होप आप सब ने इस वीडियो को खूब इंजॉय किया होगा, अगर किया हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद और गुड बाय।